नमस्कार दोस्तों, रिव्यू करेंगे श्रीमद् रामायण की लास्ट एपिसोड को। आवाज अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, आशा करता हूँ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में दिखाया गया वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है फिर हमें लक्ष्मण की गुस्सा देखने को मिलता है। स्पेशली आज हम लक्ष्मण के बारे में बात करेंगे। तो पहले एपिसोड की चर्चा कर लेते हैं। तो एपिसोड में दिखाया गया वर्षा ऋतु हो गया है, राम क्या करते हैं, 4 महीने के लिए प्लानिंग को पोस्टपोन कर देते हैं और सारे बानर को घर भेज देते हैं। तो खैर, इससे पहले मैं रिव्यू में बोल चुका था, राम सुग्रीव ये सब महाज्ञानी थे, इनको पता था वेदर कैसा आगे होने वाला है, इसलिए बानर सेना इकट्ठा ही नहीं हुआ था। लेकिन सीरियल में हमको ये चीज़ दिखा दिया गया, लेकिन जिस तरीके से भी हो ये प्लानिंग 4 महीने के लिए अब रुक चुका है, यानी कि वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद सारे बानर सेना इकट्ठा होंगे और उनको चारों दिगों में भेजा जाएगा। तो ये चीज़ होने वाला है। और सीरियल में हमें दिखाया गया वर्षा ऋतु, जहाँ पे बाढ़ आ जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, सीता जी को प्रॉब्लम हो रहा है, राम यहाँ पर दुखी है और राम कुछ खा नहीं रहे हैं, और सीता के पास बार बार रोटी आ रहा है लेकिन सीता जी भी रोटी नहीं खा रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है बार बार रोटी ही क्यों सीता जी के पास आ रहा है, थोड़ा सा अन्न भी ला लूँ। तो खैर, ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से वर्षा ऋतु खत्म हो जाता है, और वर्षा ऋतु खत्म होने के बाद 2 दिन बीत गया है, अभी तक सुग्रीव राम लक्ष्मण के पास नहीं पहुंचे हैं, और ये देख के लक्ष्मण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं 2 दिन बीत गया है और सुग्रीव की अभी तक कुछ अता पता है नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता वहाँ पे हनुमान क्या कर रहे थे, क्योंकि वर्षा ऋतु था, हनुमान को भी किष्किंधा के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि वो एक मंत्री थे, उनका काम था राज्य को कैसे अच्छे से चलाना, यानी कि सुग्रीव को अच्छा एडवाइस देना, मंत्री का काम वही होता है। तो वो एक मंत्री थे, तो वो राम लक्ष्मण के पास क्या कर रहे थे। और कुछ सीन ये भी आता है कि ये जो 4 महीने था वर्षा ऋतु का, इस 4 महीने में राम लक्ष्मण कहाँ पर बास कर रहे थे, तो इसका आंसर है प्रसवण पर्वत के ऊपर राम लक्ष्मण बास कर रहे थे। ठीक है, तो 4 महीने बीत जाता है, राम लक्ष्मण वहाँ पे प्रसवण पर्वत के ऊपर हैं, उनको कुछ अता पता नहीं, सुग्रीव से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, और बहुत टाइम और धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है। जब से सीता का अपहरण हुआ है तब से राम बहुत ही ज़्यादा दुखी रह रहे थे, वो लक्ष्मण ही थे जो कि राम को बार बार समझा रहे थे, तो उनकी दुख के टाइम में जो भाई हमेशा खड़ा था वो थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण बार बार राम को आश्वासना दे रहे थे और उनको समझा रहे थे, लेकिन ये चीज़ हमको सीरियल में कभी देखने को नहीं मिला। उल्टा हमें क्या देखने को मिलता है, बसंत भट्ट जो लक्ष्मण हमको श्रीमद् रामायण में दिखाया गया है, वो बार बार डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो बार बार ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, वो बार बार ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और राम उनको समझाने लग जाते हैं। यहाँ पर राम की बीवी को कोई अपहरण करके ले गया है, वो दुख राम के ऊपर है। यहाँ पे उनकी छोटा भाई इमेच्योर सा हरकत कर रहा है, जहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ पे गुस्सा कर रहा है, जहाँ पे दुखी नहीं होना चाहिए वहाँ पे ज़्यादा दुखी हो रहा है। आपको अगर दोस्तों याद है, जब सीता जी का अपहरण हुआ तब राम रो रहे थे, और उस जगह पे लक्ष्मण राम को समझाना चाहिए था, लक्ष्मण राम को आश्वासना देना चाहिए था, लेकिन उस जगह पे क्या होता है, लक्ष्मण भी रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं। तो राम खुद को कंट्रोल करते हैं और लक्ष्मण को फिर समझाते हैं, और ये चीज़ बार बार हमको दिखाया जा रहा है। लास्ट एपिसोड में भी ये हमको दिखाया गया, वर्षा ऋतु की न्यूज़ सुनते ही लक्ष्मण एक ओवर रिएक्शन देते हैं, राम फिर उनको समझाते हैं, लक्ष्मण दुखी हो जाते हैं, राम बोलते हैं तुम क्या दुखी हो, तुमसे तो ज़्यादा मैं दुखी हूँ। मतलब ये चीज़ क्यों बार बार हो रहा है, क्यों ऐसा हमको एक बार भी नहीं दिखाया जा रहा है कि लक्ष्मण राम को समझा रहे हैं, लक्ष्मण अपनी भाई की दुख के टाइम में खड़े हैं, थोड़ा सा आश्वासन दे रहे हैं, थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर कर रहे हैं, ऐसा कभी भी हमको देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, सीरियल में वर्षा ऋतु कब आया, कब खत्म हो गया ये तो पता नहीं चला, लेकिन लक्ष्मण बोलते हैं बारिश का ऋतु तो खत्म हो चुका है, सुग्रीव का अब तक अता पता कुछ नहीं। तो सीरियल के हिसाब से 2 दिन हो चुका है और कुछ भी अभी तक न्यूज नहीं आया है। तो ये जो 2 दिन हमको बताया गया, मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा कम था। लक्ष्मण वहाँ पर डायलॉग बोल रहे थे, वर्षा ऋतु की खत्म होने के बाद सारे वानर सेना को इकट्ठा हो जाना चाहिए था। सारे वानर सेना कैसे इकट्ठा होंगे, उनको थोड़ा सा आने में टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि एक राज्य की हम बात कर रहे हैं, अगर राज्य से कैपिटल को जाना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, तो 1-2 दिन में कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, तो थोड़ा तो टाइम तो लगेगा। तो लक्ष्मण की जो गुस्सा था वो एक ओवर रिएक्शन जैसा लग रहा था, हालांकि बुक में भी लक्ष्मण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किए थे, लक्ष्मण की गुस्सा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूटा था। ठीक है, क्यों फूटा था उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। कारण यह था, बार बार लक्ष्मण प्रसवण पर्वत के ऊपर राम को समझा रहे थे, राम बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे,
फिर राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि टाइम तो चला गया है लेकिन अभी तक सुग्रीव की तरफ से मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, तो मेरा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो रहा है। और राम लक्ष्मण को बोलते हैं तुम जाओ सुग्रीव के पास और उनको बोलो कि उनकी जो वचन था उन पे वो काम करे। तो राम पहले लक्ष्मण को ये बात बोलते हैं और राम के दुख को देखकर लक्ष्मण को फिर गुस्सा आता है। तो जो लक्ष्मण की गुस्सा था वो बिल्ड हुआ था, ठीक है, धीरे धीरे बिल्ड हुआ था। वो भी देख रहे थे कि टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है और राम यहाँ पर दुखी हो रहे हैं और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो लक्ष्मण की जो गुस्सा था वो धीरे धीरे बिल्ड हो रहा था, जो कि सीरियल में हमें फील नहीं हुआ। सीरियल में तुरंत ही यूं चुटकी में लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और उनकी गुस्सा हमेशा नाक के ऊपर रहता है। प्लस सीरियल में हनुमान बोलते हैं आप इतना गुस्सा मत करो, मैं जाकर खुद चेक करता हूं कि क्या हुआ है। तो ये चीज़ भी कैसे होगा, ऑलरेडी जैसे कि मैं बोला हनुमान किष्किंधा में ही थे, वो राजकाज संभाल रहे थे और हनुमान से भी कोई इन्फॉर्मेशन राम के पास नहीं आया था, इसीलिए धीरे धीरे राम लक्ष्मण इम्पेशेंस हो रहे थे। तो ये चीज़ हुआ था, अगर हनुमान इन्फॉर्मेशन दे रहे होते तो राम लक्ष्मण इम्पेशेंस क्यों होते। तो हनुमान सीरियल में जाते हैं और हनुमान को पता चलता है सुग्रीव अब राजभोग में थोड़ा सा बह गए हैं, वो थोड़ा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं और इसीलिए उनको पता ही नहीं है 4 महीना कब चला गया है। तो सुग्रीव अब राजगद्दी में नहीं है, वो तो एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हनुमान को पता होना चाहिए था, खैर सीरियल में दिखाया गया हनुमान को ये चीज़ पता नहीं है। और लक्ष्मण हनुमान को टाइम देते हैं कि सूर्योदय का टाइम है, नहीं तो मेरा गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। खैर गुस्सा का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो गुस्सा था थोड़ा सा अच्छे से बिल्ड होना चाहिए था और हमको दिखाना चाहिए था, ताकि हमको भी फील होए कि लक्ष्मण क्यों गुस्से में है और उनकी गुस्सा का प्रभाव क्या हो सकता है, उनकी गुस्सा का रिजल्ट क्या हो सकता है। तो ये था दोस्तों लास्ट एपिसोड की ओवरऑल रिव्यू। मेरे हिसाब से लक्ष्मण को थोड़ा सा मैच्योर दिखाना चाहिए, थोड़ा सा और पावरफुल दिखाना चाहिए। सिर्फ वो गुस्सा कर रहे हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, लेकिन काम उनका कुछ भी अभी तक हमको देखने को नहीं मिला। सिर्फ बात वो बोल रहे हैं लेकिन काम करके क्या दिखाया है अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो उनके बारे में आगे हम और ज़्यादा बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।